यू नो, आपने अपने करियर के बारे में बात की, आपने अपनी एक्टिंग के बारे में बात की, बट हाउ डू योर पेरेंट्स लुक एट यू एज एन एक्टर, खासकर आपके पिताजी और मदर, क्योंकि जिस तरह से आप मैं ऐसा फील करता हूँ कि यू रियली इवॉल्व ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम, सावरिया से लेकर रॉक स्टार तक, क्या उन्होंने रॉक स्टार देखी है? नहीं, अभी तक उन्होंने रॉक स्टार नहीं देखी, तो लास्ट फिल्म तक जी. उनकी क्या राय है, उनके क्या ओपिनियन है आपको एज एन एक्टर जब देखते हैं? देखिए सर, आई नो दे आर प्राउड ऑफ मी, यू नो दे रिस्पेक्ट मी, क्योंकि मैं मेहनत से काम करता हूँ, मैं लगन के साथ काम करता हूँ, बट वो कभी मुझे फॉल्स फ्लैटरी नहीं देते. स्पेशली माई फादर जो है वो एक हिपोक्रेट इंसान नहीं है. अगर उन्हें कुछ पसंद नहीं आता, वो चेहरे पे ही कह देते आई डोंट लाइक इट. मेरे फादर ने अनजाना अनजानी फिल्म देखी ही नहीं. उनको प्रोमोज अच्छे नहीं लगे, उन्होंने कहा कि मैं ये फिल्म नहीं देखूंगा, और उन्होंने नहीं देखी. जब उन्होंने कोई, अगर उनको कुछ पसंद आता है तो ज़्यादा यू नो उसको एग्जैजरेट करके नहीं बताते कि ये तुम ऐसे थे या वैसे थे. आई थिंक जो रिलेशनशिप उनका उनके फादर के साथ था, वो ऐसे ही था कि यू नो मिस्टर राज कपूर ऑलवेज यूज़ टू टेल हिम कि कसर रही कसर रही. वो एक उन्होंने मुझे कहानी भी सुनाई थी कि जब वो छोटे थे तो जब वो काम कर रहे थे तो हर फिल्म के बाद माई ग्रैंड फादर मिस्टर राज कपूर यूज़ टू टेल मी ओके यू नो कसर रही कसर रही. सो वन डे ही वेंट अप टू हिम एंड सेड कि यू नो आप क्यों नहीं कहते यू नो कि मैंने अच्छा काम किया है. सो ही सेड कि द डे आई टेल यू कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम अपना जो फोकस है वो लूज़ कर दोगे एंड यू विल टेक इट फॉर ग्रांटेड एंड यू नो शायद आपका काम अच्छा नहीं हो. सो आई थिंक इट्स गुड, इट गिव्स मी अ ड्राइव कि यू नो मेरा सबसे बड़ा ड्राइव ये है कि मेरे फादर मेरे काम को पसंद करें. ये गिव्स मी अ पैट ऑन माई बैक. आई नो ही इज सच अ फाइन एक्टर हिमसेल्फ, सो टू गेट अप्रिसिएशन फ्रॉम सच अ फाइन टैलेंट इज अ वेरी बिग डील एंड आई एम श्योर कि एक दिन आएगा, अगर रॉक स्टार नहीं तो कोई और फिल्म से ही. आपको लगता है रॉक स्टार में आई थिंक ही विल रियली गो एंड प्रेज योर परफॉर्मेंस? आई होप सर, आई होप. मैंने मतलब वो माइंड पे रख के काम नहीं किया फिल्म में, बट अभी जब फिल्म खत्म हो गई है मुझे यही मतलब प्रार्थना करता हूँ कि यू नो ही लाइक्स इट. आप तो एज एन एक्टर, योर पेरेंट्स हैव आल्सो बीन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, बट जब वो आपकी कहानियाँ पढ़ते हैं, यू नो अपने बारे में तो आदमी बर्दाश्त कर लेता है, बट जब आपके बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में लिखा जाता है, प्रोफेशनली लिखा जाता है तो बहुत खुश होते होंगे आई एम श्योर, बट अगर पर्सनल लाइफ के बारे में आपके पेरेंट्स पढ़ते हैं, उनके क्या रिएक्शंस होते हैं? Well, I think कभी कभी दे फील प्रोटेक्टिव कि यू नो स्पेशली कॉफ़ी विद करण के एपिसोड के बाद माई फादर रिएक्टेड बिकॉज दे फील प्रोटेक्टिव कि यू नो हमारा बच्चा है तो वी शुड प्रोटेक्ट हिम. बट आई थिंक नाउ दे ऑल्सो यूज टू इट. वो जानते कि मैं खुद बड़ा हो रहा हूँ, यू नो आई कैन फाइट माई ओन बैटल्स एंड देर आर नो बैटल्स. यू नो ये जो आप सुनते यू नो कि मेरा इसके साथ कुछ नेगेटिव चल रहा है या इन लोग मेरे बारे में बिचिंग कर रहे हैं, it's all part and parcel of the job. You know, we are in the business of entertainment. Right. It's showbiz. And people get entertained by reading all of this. But I think because they're actors themselves, वो खुद जानते हैं कि इसके पीछे इतनी भी सच्चाई नहीं है. You know, बहुत सारा exaggerated तरीके से, glamorous तरीके से, you know, present किया जा रहा है. But it's fine. You know, they've been amazing. They've never ever shown disappointment or resentfulness towards me. Right. But does it affect your work? जब आप सवेरे शूटिंग पे जा रहे हो और आपने पेपर खोला और आपने कुछ पढ़ा है, विच कैन बी क्वाइट डिस्टर्बिंग. पहले ऐसा होता था कि जब मैं सवेरे पेपर खोलता था और पढ़ता था, मुझे काम के बारे में नहीं, मुझे और चिंता रहती थी कि मैं नीचे जब नाश्ता खाने जा रहा हूँ मम्मी पापा के साथ वो क्या बोलेंगे. तो बिकॉज दे नेवर सेड एनीथिंग, यू नो दे वर अंडरस्टैंडिंग कि मे बी इट्स अ पासिंग फेज एंड एवरी एक्टर गोज थ्रू इट, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं. बट अभी नाउ आई एम यूज टू इट. अभी मुझे पता है कि अगर कोई दो फिल्म बाद एक नई एक्ट्रेस के साथ मैं काम करूँ, उसके साथ भी मेरा लिंकअप होगा. इट कम्स विद द टेरिटरी नाउ, स्पेशली विद मी. आई गेस मैं सिंगल हूँ, आई एम अ फ्रेंडली पर्सन. मैं एक फिल्म में काम करता हूँ तो जो फिल्म की जो दुनिया है, जो लोग हैं, वो मेरी दुनिया बन जाते हैं, मेरे दोस्त बन जाते हैं. एंड क्योंकि लोग लिख रहे, मैं उसके वजह से मैं अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करने वाला. बहुत खूब. मैं वैसे ही रहूँगा. यू नो मैं आई एम 29 ईयर्स ओल्ड. मेरा कोई कमिटमेंट नहीं है किसी के साथ कि मैं किसी के साथ दोस्ती नहीं निभा सकता. एंड हू नोज़, मे बी आई फॉल इन लव. वेरी ट्रू. यू फॉल इन लव इन द पास्ट ऑल्सो? ऑफ कोर्स, वी ऑल हैव सर. राइट. यू नो लॉट ऑफ पीपल इंक्वायर दिस के आपके पिताजी ऑफ कोर्स एक्ट तो करते हैं, अब तक कर रहे हैं, आपकी मॉम भी कई फिल्मों में नजर आई हैं जी. क्या हम इस परिवार को एक साथ में एक फिल्म में देख पाएंगे? बिल्कुल सर. बट क्या होता है ना सर कि क्योंकि हम सब एक्टर्स हैं तो ज़्यादातर लोग एक प्रोजेक्ट लाते हैं. यू नो हम आपके साथ फिल्म बनाना चाहते हैं लेकिन कहानी नहीं है. सही. अगर कहानी के साथ कोई नहीं आता, अगर ऐसा, नाउ वी आर थ्री इंडिविजुअल्स, वी हैव थ्री डिफरेंट चॉइसेस. अगर हम तीनों को इंडिविजुअली एक स्क्रिप्ट पसंद नहीं आए, कैरेक्टर्स पसंद नहीं आए, देन वी नॉट गोना डू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. जब ऐसा दिन आएगा, आई वुड लव टू, आई मीन यू नो इमेजिन लाइक
going to work with your family and coming back home to your family. You know, it'll just be an amazing time. Right, very true. But offers aaye honge? Bahut aaye sir. But projects aaye. Nothing which is even substantial to talk about. Yes.